हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज जो है कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, जैसे कि निर्भय के दोषियों को 20 मार्च 2020 को सुबह लगभग 5:30 बजे फांसी को सजा को सुनते ही यहाँ की महिलाओं ने वाराणसी की अपने तरीके से जगह जगह जो है कि जश्न मनाने लगी। हालांकि जब हमने उनसे बात किया था, उनका कहना है कि हम तो जश्न तो मना रहे हैं जैसे निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मिली है, लेकिन हम चाहते हैं कि 7 साल 3 महीने 4 दिन में जितने भी लड़कियों के साथ रेप कांड हुआ है उसको भी उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रह सके और उनके मन में एक डराव सा पैदा हो सके। उसकी माँ को न्याय मिला है और हमारा कानून और संविधान के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी के तौर पे हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं, एक उत्साह मना रहे हैं कि आगे किसी भी बहन बेटी को इस घिनौने उसका सामना न करना पड़े और जो भी हमारी न्याय व्यवस्था है वो महिलाओं के साथ रहे। इसीलिए हम ये जश्न जी हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, रंग लगाए, होली मनाई और ये होली इस न्याय के बिना अधूरी थी, इसलिए आज हमने सब बहन बेटियों के साथ ये होली मनाई है। आह्वान है कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर कि कोई भी ऐसी घटना घटती है तो हम लोग उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम लोग तात्पर हैं। वो अपना क्यों न घर का व्यक्ति हो। मान लीजिए ऐसी घटना तो 7 साल के अंदर बहुत हुई होगी, कुछ लोग जेल में भी हैं, तो क्या लगता है उन लोगों के साथ भी ऐसी फांसी दी जाएगी? अगर या कोई घटना अगर घट भी जा रही है, जैसे अभी बनारस में कल 4 साल की बच्ची के साथ घटी है, तो क्या लगता है उन दरिंदों को भी उसी तरह से लिया जाएगा? एकदम मिलना चाहिए, पूरी ओपन है, खुला किताब है। कानून इतना सख्त बना दिए हैं हमारे गृह मंत्री जी और मोदी जी, राष्ट्रपति जी ना, कि कोई बचने वाला नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर का लड़का भी क्यों ना हो। अगर वो गलत करता है, किसी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है, बलात्कार करता है, तो उसको भी वही फांसी दी जाएगी जो इन चारों को दिया गया है। हमारे कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे पड़े हैं बेटी बहू के तरफ छोटी बच्ची के साथ जो ऐसी घिनौनी करतूत हरकत करते हैं, वो ये नहीं समझते कि हमारी भी बेटी है। वो कुछ नशे के हालत में ऐसे दरिंद्री का हालत है जो मचा कर रख के बेटी बहू को 4 साल की बच्ची का 3 साल के बच्ची के साथ ऐसे जो करते हैं, ये बहुत गलत है। उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए जो फांसी की सजा चारों अपराधी को मिले हैं, ऐसे ही उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़की जींस पहन के चलती है, टी शर्ट पहन के चलती है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं है। 4 साल की आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, क्या वो जींस पहनी थी? ऐसे हरकत जो कर रहे हैं उनके साथ यही सजा है, बस फांसी की सजा, अनेक पुलिस कानून जो है उसको तुरंत गोली मार दे। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से यही गुजारिश है कि इस कानून को थोड़ा सा और मजबूत किया जाए, कि इंसाफ थोड़ा 3 महीना के से 6 महीने के अंदर में इंसाफ अगर मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो रुक जाएंगे और हमारी माताएं बहने बेटी सब सुरक्षित रहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।